अभी आपकी कौन सी यात्रा है? दूसरी ब्रज में आने का ये दूसरी बार दस चौरासी कोस की यात्रा का आपको सौभाग्य लगा है। बिछुआ कुंड आज तक की यात्रा में आपको कैसा अनुभव होता है? अच्छा अनुभव, आनंद आ रहा है। वैसे पहली यात्रा के देखते हुए अभी तक की ये भागवत बाबा की जो यात्रा है उसमें आनंद तो आ ही रहा है। दो तीन चीज़ें अच्छी मिली हैं देखने में अभी तक बाबा श्री जो की। नहीं, शांति तो है ही है। चौड़ा लोगों को जो रोज चकर चकर रोज नहीं देते थे। नहीं, 1978 में जब इनकी वल्लभ बाबा की जब पहली यात्रा हुई थी तो 200 ग्राम घी का 250 ग्राम घी का दर रोज का। मैं उस समय बहुत बालक था और प्रेमजी बापा जी ये उस यात्रा में थे और झीझू बाड़ियाँ गोंदिया से रेवा मांझी का परिवार इंदिरा बेटी की यात्रा में था, इसलिए हम लोगों को दोनों यात्राओं का बड़ा सौभाग्य मिला था, कभी इसमें कभी इसमें। बहन आपका शुभ नाम माने की, आपकी पहली यात्रा है, आपको कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा महसूस होता है, यात्रा में आनंद आ रहा है। ये हमारे सेठ की लड़की है और जमुना जी की कृपा से ये इनकी घर से है और ठाकुर जी का वो सौभाग्य है कि इनको भी दूसरी बार यात्रा का आनंद मिल रहा है। आप पहली बार बहुत टाइम पहली बार जीवन की पहली यात्रा। जमुना जी आपका सदा मंगलमय करें। ब्रजवासी .com आपके लिए शुभकामनाएं देती है। आपकी यात्रा का जो लक्ष्य लेके आप ब्रज में आए वो महापूर्ण है, इसके लिए हम जमुना जी के सीजी बाबा से सदैव विनती करेंगे। ये बिछुआ कुंड पर जो यात्रा आई हुई है उसी में आज ये वैष्णवों को तो हमने ये जानने की कोशिश की कि ये एसी में रहने वाले वैष्णव हैं और यहाँ पे इनको देसी मिल रही है तो कुदरत की एसी और उस एसी से ये अच्छा। इनका भी ये मानना है कि व्रत 84 कोस की यात्रा में जो साधारण रीति से हमको रहना पड़ता है, नियम संयम आसन ध्यान अध्यात्मिक ज्ञान वैराग्य भक्ति ये सब चीज़ों का जो अनुभव होता है वो हर जगह नहीं मिल पाता। तीरथ तो पृथ्वी पर सब जगह है लेकिन ब्रज का तीरथ बहुत अनोखा बोला जय जगन्नाथ। बेटा आप लोगों का ठंडा पानी कैसा चल रहा है? सब मालिक की कृपा है। मालिक प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आनंद आ रही है, करते हो कन्हैया आनंद ही आनंद, आपका नाम हो रहा है। ये फल फ्रूट वाले सुबह यात्रा से निकल करके इधर आ जाते हैं। ब्रज84.com ABB DRIG देख यात्रा ही कर रहे हो हैं? मुकेश भाई आपको देखता है। ये उस वक्त गोपी बाबा की यात्रा में आप आए थे, मैंने इनको बिछुआ कुंड पर देखा, पहचानने की कोशिश की। सेठ मुझे पहचान गए, मैं सेठ को पहचान गया। आज सौभाग्य से ये ब्रज84 कोस की यात्रा का आनंद लेने आए हैं। ब्रज84.com इनका अभिनंदन करती है। आपको फिर यात्रा में आनंद आ रहा है? ठाकुर जी का अनुभव हो रहा है भाई, यही सबसे बड़ी कामयाबी है। जीवात्मा की संतुष्टि हो जाए ये सबसे बड़ी चीज। हाँ साहब सेठ साहब, बीजू कहीं कहू तुमने मुकेश भाई मजामा से हितेश भाई यात्रा करे छे।